हम बना रहे हैं ये देखिए, ये हमने ये ब्रेड वगैरह काटी हुई है, ये आज हम इसको पेटीज ब्रेड पेटीज बना रहे हैं। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि ये हमने चिकन लिया था, चिकन का एक ब्रेड मतलब बोनलेस पीस लिया था, आप 2, 3, 4 जितना आप लेना चाहें वो लेके, मैंने इसको क्रश कर लिया था, बिल्कुल बारीक बारीक वो कर लिया था। उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर एक फ्राई पैन में घी लिया 1 टेबल स्पून। उसके बाद जो है इसमें मैंने डाला 1 टेबल स्पून ही मैदा, और मैदे को अच्छी तरह भून लिया। भूनने के बाद मैंने इसके अंदर क्रश करी हुई चिकन डाली। चिकन के अंदर मैंने 1 छोटी प्याज ली और थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट लिया। चाइनीज़ सॉल्ट नहीं डालना चाहते आप तो चिकन पाउडर डाल लें, थोड़ा सा चिकन पाउडर डाला। काली मिर्च डाली, काली मिर्च मैंने डाली है 1 टीस्पून। काली मिर्च इसमें ज़्यादा डलती है, अच्छी लगती है। थोड़ा सा नमक डाल के और मैंने अच्छी तरह मिला लिया। पहले मैंने घी डाला, घी डाल के मैदा डाला, मैदा डाल के भूना। भूनने के बाद सारी चीज़ें ये डाल के एक प्याज वगैरह देखें आप देख रहे हैं, ये चोकोर चोकोर सी छोटी छोटी कटी हुई प्याज है ये, और ये डाल के मैंने खूब अच्छी तरह मिलाया। और मिला के थोड़ा सा क्वार्टर कप जो है मैंने दूध डाल के इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह। ये देखें, ये इसका पेटीज का जो है बैटर तैयार हो गया। अब हम आपको बताते हैं इसका तरीका। ये देखिए, हमने कटर की मतलब कटर हो आपके पास, बिस्किट कटर हो, आप जो साइज़ लेना चाहें इसका ब्रेड का, हमने ब्रेड का ये काट के ना ये गोल पूरा बना के इसको काटा, काट के ये देखें, और इसके साइड भी हमने ज़ाया नहीं किए, साइडों को हमने ये देखें ब्रेड क्रम्स बना लिए। ये घर में देखिए कितने अच्छे ब्रेड क्रम्स बने। और ये हमने ये अंडा लिया है, 2 अंडे लिए हैं, उसको हमने फेंट लिया है। अब हम आप उसको बताते हैं कि बनाना कैसे है, किस तरह लगेगा ये। मैंने ये देखें, ये आप देखें, ये हमने जो है ये बीच बीच में जो है लगा के ये रख लिया है। एक पीस हम और लेंगे, इससे आप यकीन जानिए मतलब एक छोटे से चिकन के पीस से ही अच्छे खासे तैयार हो जाते हैं। और अगर आप इसका ये पीस आपको बड़ा लग रहा है इसका डबल रोटी का, तो ब्रेड का आप इसको छोटा भी काट सकते हैं, और बाइट 1 बाइट जो होता है उसको 1 बाइट का भी आप वो कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं, ये देखिए, ये पानी है, ये हम सिर्फ पानी किनारे जो है ना इसके, ये देखिए सिर्फ किनारे भी घूमेंगे हम, सही है। हम बताते हैं आपको कैसे रखना है। ये देखिए, ये हम बल्कि थोड़ा सा बैटर मुझे वो लग रहा है तो हम डालेंगे। ये हमने ये गीला हो गया ना, ये देखिए गीले होने से ये किनारे जो ना आपस में अच्छी तरह चिपक जाएंगे। इसको आप थोड़ा सा प्रेस करें, और अब जो है हम इसको अंडे में डालेंगे। इस तरह ब्रेड क्रम्स में इसको फिर प्रेस कर लें। हम आपको एक और बताते हैं बनाना। सेम इसी तरह इसके किनारे ये में थोड़े से डिप करेंगे, ये इसको किनारों से हम दबाएंगे। ये देखें, से हम जो है अंडा लगाएंगे जनाब। अच्छा, इसको जो है हम अभी रख देंगे घर के फ्रिज में, ताकि ज़रा सा ये इसकी जो है सब चीज़ें बैटर वगैरह और सब जो ब्रेड क्रम्स लगाएं
वो सही से जम जाएंगे इसमें, मतलब हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम थोड़ी देर में इसको फ्राई करेंगे। जब हम फ्राई करते हैं तो फिर हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए हमने ये जो ये ब्रेड पेटीज जो तैयार किए थे, अच्छा इसको जो है आपको तेज़ आंच में करना है, तेज़ तेल में, इसलिए कि डबल रोटी जो है वो तेल पी लेती है, तो उसे हमें तेज़ करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गोल्डन फ्राई होने पे हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए हम एक और आपके सामने डालते हैं। ये देखिए इसी तरह हम जो है सारे फ्राई कर लेते हैं और फिर फ्राई करके हम आपको दिखाते हैं। ब्रेड पैटीज जो हैं ये कर लिए तैयार, ये फ्राई हो गए हैं। और ये आप इसको इसके ऊपर अंडा लगा के इसको बेक भी कर सकते हैं। तो अगर कोई फ्राई चीज़ नहीं करना चाहता तो आप इसको बेक कर लें। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। खा के देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसे लगे।